आज भाजपा का सचिवालय घेराव कार्यक्रम है। इस घेराव कार्यक्रम में राज्य भर से भाजपा कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। इधर विभाग द्वारा सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारी, थानों, जिला के वरिष्ठ पदाधिकारियों को पत्र जारी कर वाहनों के सघन चेकिंग करने का निर्देश दिया है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश और नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी ने इस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कार्यक्रम रोकने के लिए सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। हेमंत सरकार तुगलकी फरमान से लोकतंत्र का गला घोट रही है। झारखंड राज्य की पहली ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को कुचलने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। जरिया में बीजेपी नेता रागनी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ भाजपा का झारखंड सचिवालय का घेरने का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, जिसमें जरिया विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। रागनी सिंह ने जरिया स्थित कार्यालय में जनता मजदूर संघ और भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। मीडिया को संबोधित करते हुए रागनी सिंह ने कहा कि हमें झारखंड को लूट, अत्याचार, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तानाशाही से बचाना है, इसलिए हमें इस सरकार को हटाना है। निकलेगी चाहे झरिया हो, विधानसभा हो या धनबाद विधानसभा हो, बगमारा हो, निरसा हो, सभी से, क्योंकि क्षेत्र को सबसे निकलते निधन आए। आप सबको शुभकामना देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।